इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोजिव चैप्टर का डेटोनेटर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटोनेटर को देखेंगे तो डेटोनेटर एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हाई एक्सप्लोजिव है उसको ब्लास्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट का उसको बोलते हैं डेटोनेटर तो सपोज ये मेरा एक्सप्लोजिव है एक्सप्लोजिव का कार्ट्रिज है अब डेटोनेटर कुछ इस टाइप का होता है इस वाले पोर्शन को हम लोग एक्सप्लोजिव के अंदर इंसर्ट करते हैं ये वाला पोर्शन गया इधर से दो तार निकला रहता है इस दोनों तार को हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल करेंट से जोड़ते हैं और फिर इसको हम लोग ब्लास्ट करते हैं तो बेसिकली डेटोनेटर का क्या काम रहता है ये जो मेन एक्सप्लोजिव का चार्ज है उसको ब्लास्ट करने के लिए यूज होता है और जनरली हम लोग हाई एक्सप्लोजिव को ही डेटोनेटर से ब्लास्ट कर सकते हैं हाई एक्सप्लोजिव लो एक्सप्लोजिव दो टाइप का एक्सप्लोजिव होता है जिसको हम पिछले वीडियोज में एक्सप्लेन किए हुए हैं जैसे एक एग्जाम्पल ले ले जैसे टी हुआ कोलोडियन कॉटन हुआ ये सब सारा क्या है हाई एग्जाम्पल का एग्जाम हाई एग्जाम्पल जैसे अमोनियम नाइट्रेट है एन एच फोर एनओ ये भी क्या है एक टाइप का हाई एक्सप्लोजिव ही है ये एक स्मॉल कॉपर और अल्मोनियम मेटल का बना हुआ ट्यूब होता है जैसे देख सकते हैं एक छोटा सा एक ट्यूब है ये कॉपर का या अलमिनियम का बना होता है और इस ट्यूब के अंदर एक स्पेशल चार्ज भरा रहता है इस ट्यूब के अंदर एक स्पेशल चार्ज भरा रहता है एक केमिकल रिएक्शन स्टार्टेड बाय फ्लेम और इलेक्ट्रिक करंट इन द स्पेशल एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजिव कैन बिल्ड अप वेरी रैपिडली इनटू एन एक्सप्लोजन ऑफ सफिशिएंट इंटेंसिटी तो इस एक्सप्लोजिव जो स्पेशल चार्ज इसमें भरा हुआ है इसको हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं तो चाहे तो इलेक्ट्रिक करेंट से स्टार्ट करते हैं या फिर फ्लेम के मदद से स्टार्ट करते हैं जब एक बार ये जल जाता है ठीक है एक बार इस स्पेशल एक्सप्लोजिव में एक्सप्लोजन हो जाता है तो ये बहुत वायलेंट शॉक वेव को प्रोड्यूस करता है और वो जो शॉक वेव होता है फ्विस्टल थ्रू आउट द हाई एक्सप्लोजिव इनक्लोजिंग द डेटोनेटर तो ये डेटोनेटर हम लोग डाले थे एक्सप्लोजिव के अंदर अब ये शॉक वेव इस पूरे एक्सप्लोजिव में क्या करता है ट्रेवल करता है और ये जो मेन एक्सप्लोजिव है हमारा ये इसको भी ब्लास्ट कर देता है और इसके ब्लास्ट होने से क्या होता है कि अल्टीमेटली हमारा रॉक में ब्लास्टिंग होता है और रॉक भी टूट जाता है या कोल टूट जाता है तो एक बार फिर से हम लोग डिटेल में समझते हैं कि एक्सप्लोजिव काम कैसे करता है तो सबसे पहले ये हमारा ऑग्जलरी चार्ज हुआ ठीक है इसका कार्ट्रिज हुआ इसके अंदर हम लोग एक डेटोनेटर को डालते हैं ये इसके अंदर एक डेटोनेटर आ गया है ना यहाँ से दो तार बाहर निकल जाता है इन दोनों तार को हम लोग क्या करते हैं एक इक्विपमेंट से जोड़ते हैं जो करेंट प्रोड्यूस करता है और इसी तरह से बहुत सारा अलग अलग कार्ट्रिज में अलग अलग ये जॉइन रहता है सबको हम लोग सर्किट में, लो में जोड़ते हैं फिर दो तार से इससे जोड़ देते हैं अब होता क्या है कि जैसे यहाँ से करेंट प्रोड्यूस हुआ तो ये जो डेटोनेटर है इसके अंदर क्या है एक स्पेशल चार्ज है वो चार्ज पहले ब्लास्ट करता है और वो वायलेंट सॉक वेव प्रोड्यूस करता है अब ये सॉक वेव क्या होता है वायलेंट शॉक वेव अब ये शॉक वेव थ्रू आउट द एक्सप्लोजिव ये जो हमारा हाई एक्सप्लोजिवे जिसको ब्लास्ट करना है वो थ्रू आउट ट्रेवल करता है और इसको भी ब्लास्ट कर देता है यही है फंक्शन ऑफ डेटोनेटर अब डेटोनेटर के टाइप्स देखते हैं तो तीन टाइप का तो सबसे पहला है प्लेन डेटोनेटर दूसरा है ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और ये इलेक्ट्रिक डेटोनेटर में ही डीले डेटोनेटर भी आता है तो ऑर्डनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर का भी दो डिवीजन है एक है लो टेंशन डिटोनेटर एक है हाई टेंशन डिटोनेटर और डिले डिटोनेटर का भी दो पार्ट है हाफ सेकेंड या इसको लॉन्ग डिले डिटोनेटर बोलते हैं या फिर मिली सेकेंड और शॉर्ट डिले डिटोनेटर तो ये इन डिवीजन को हम लोग थोड़े से याद रखेंगे हम डिटेल्स में देखते हैं तो प्लेन डिटोनेटर सबसे पहले देखते हैं दीज आर फायरड बाई सेफ्टी फ्यूजेज तो प्लें डेटोनेटर को हम लोग कैसे फायर करते हैं सेफ्टी फ्यूज से द स्पार्क फ्राम द फ्यूज़ कॉसिज द डेटोनेटर टू एक्सप्लोर अब सेफ्टी फ्यूज को जैसे ही हम लोग इग्नाइट करते हैं तो सेफ्टी फ्यूज़ क्या करता है एक स्पार्क प्रोड्यूस करता है और वो स्पार्क जो प्लेन डेटोनेटर के अंदर जो एक्सप्लोजिव रहता है उसको एक्सप्लोर या ब्लास्ट कर देता है इस टाइप के डेटोनेटर को हम लोग प्लेन डेटोनेटर को ऑर्डनरी डेटोनेटर के नाम से भी जानते हैं ए प्लेन डेटोनेटर कंसिस्ट सिंपली ऑफ एन अल्मोनियम ट्यूब ये एक अल्मोनियम ट्यूब का बना होता है जिसका डायमीटर 6 एम होता है इसका लेंथ 37 से 50 एम तक होता है और वन थर्ड जो डेटोनेटर है सपोज ये हमारा है है ना ये डेटोनेटर का जो ट्यूब है ये सपोज 50 एम का है तो इसमें वन थर्ड यानी सोलह से सत्रह एम एम तक हम लोग क्या करते हैं ए एस ए कंपोजिशन डालते हैं और पीई टी -E एन डालते हैं पीई टी एन का फुल फॉर्म है पेंटा इराथ्री टेट्रा नाइट्रेट तो वन थर्ड जो रहता है इसमें ये ए एस ए प्लस पीई टी एन का कंपोजिशन रहता है तो इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि डेटोनेटर में एक्सप्लोजिव का कंपोजिशन क्या होता है जो स्पेशल एक्सप्लोजिव लोग यूज करते हैं वो ए एस ए और पी टी एन का कंपोजिशन होता है अब ए एस ए में क्या मिला होता है तो लीड एजाइड रहता है लीड स्टिफनेट रहता है और एक थोड़ा सा अल्मोनियम पाउडर रहता है तो ए एस ए का फुल फॉर्म में ए एस ए में क्या क्या आता है तो लीड एजाइड लीड स्टीफनेट और अल्मोनियम पाउडर ये तीनों को हम लोग इसको भी याद रखें ठीक है द ए एस ए प्राइमिंग कंपोजिशन इनिशिएट्स द बेस चार्ज ऑफ पी ईटीएन विच इज ए मच पावरफुल एक्सप्लोजिव तो जैसे ही हम लोग प्लेन डेटोनेटर को क्या करते हैं सेफ्टी फ्यूज से ब्लास्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि ए एस ए में इफेक्ट आता है और ये ए एस ए ही जो पी ई टी एन है उसको ब्लास्ट करता है तो डेटोनेटर फाइनली ब्लास्ट होता है डेटोनेटर ब्लास्ट होकर क्या होता है कि जो मेन एक्सप्लोजिव जिसके अंदर इसको हम डालें वो उसको ब्लास्ट कर देता है तो प्राइमिंग चार्ज का क्या कंपोजिशन है एएसए ए है और बेस चार्ज क्या है तो प्लेन एटेड में दो तरह से देख सकते हैं लोग एक है इसके अंदर बेस चार्ज है दूसरा है प्राइमिंग चार्ज है ठीक है एक बेस चार्ज है दूसरा है प्राइमिंग चार्ज है तो बेस चार्ज क्या होता है पीटीएन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ सकता है इसलिए हम लोग याद रखेंगे और प्राइमिंग चार्ज में क्या आता है ए एस लीड एजाइड लीड स्टीफनेट और अल्मोनियम पाउडर पीईटीएन का फुल फॉर्म क्या है पेंटा टेट्रानाइट्रेट नंबर सिक्स डेटोनेटर इज सुटेबल फॉर नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स ऑफ माइनिंग वर्क अब माइनिंग वर्क के लिए हम लोग कौन सा नंबर डेटोनेटर यूज करते हैं तो नंबर सिक्स डेटोनेटर इसको भी याद रखेंगे ठीक है डेटोनेटर अलग अलग नंबर में आता है तो हम लोग माइनिंग में कौन सा डेटोनेटर यूज करते हैं तो नंबर सिक्स डेटोनेटर को यूज़ करते हैं और नंबर एट डेटोनेटर होता है वो नंबर सिक्स डेटोनेटर से ज़्यादा पावरफुल होता है पर इसको माइनिंग ऑपरेशन हम लोग यूज़ नहीं करते तो माइनिंग ऑपरेशन में कौन सा डेटोनेटर यूज करते हैं तो नंबर सिक्स डेटोनेटर को हम लोग माइनिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं क्लियर नेक्स्ट देखते हैं दूसरा टाइप जो था पाला था प्लेन डेटोनेटर या जिसको हम लोग डेटोनेटर डेटोनेटर प्लेन बोलते हैं या फिर इसको हम लोग ऑर्डिनरी डेटोनेटर भी बोलते हैं ये अब दूसरा टाइप इसका क्या है ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर इस डेटोनेटर को हम लोग कैसे फोड़ते हैं इस डेटोनेटर को हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट पास करके फोड़ते हैं ये दो टाइप का है लो टेंशन और हाई टेंशन डेटोनेटर लो टेंशन डेटोनेटर को हम लोग माइनिंग पर्पस में यूज करते हैं और हाई टेंशन डेटोनेटर को हम लोग माइनिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करते अब है ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स ऑफ इंस्टेंटेनियस टाइप विदाउट एनी डिले एलिमेंट इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग डेटोनेटर में करंट दिए ये तुरंत फटा सपोज इससे हम लोग पांच डेटोनेटर को जोड़ के रखे हैं ठीक है तो जैसे ही करंट ये इन सबको हम लोग सीरीज के साथ एक करेंट देने वाले डिवाइस के साथ जोड़ के रखे हैं सपोज है ना इसको ब्लास्टो मीटर भी बोलते हैं तो जैसे ही हम लोग सब करेंट दिए ये इंस्टेंटेनियसली एट वंस पाँचों डिटोनेटर क्या होगा फट जाएगा और इसके साथ जो एक्सपोजियर वो भी फट जाएगा तो इसमें कोई डिले एलिमेंट नहीं होता ये डिले एलिमेंट क्या है इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अभी और इलेक्ट्रिक डिटोनेटर भी कॉपर या अलमुनियम ट्यूब का ही बना होता है इसमें प्राइमिंग चार्ज वही है ए एस ए है और बेस चार्ज क्या है पीटीएन टी एन है जो <णगागाँ> प्लेन डेटोनेटर में था इसमें भी सेम टू सेम है ये क्या है ये है हमारा प्राइमिंग चार्ज है अब बेस चार्ज क्या है पीटीएन टी एन है क्लियर है बस डिफरेंस क्या है कि प्लेन डेटोनेटर और ऑर्डनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर में डिफरेंस क्या है कि प्लेन डेटोनेटर को हम लोग सेफ्टी फ्यूज के साथ फोड़ते हैं और ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट डाल के फोड़ते हैं ठीक है यही डिफरेंस है एक बार फिर से डिफरेंस हम लोग समझते हैं प्लेन डेटोनेटर को हम लोग ब्लास्ट करने के लिए क्या करते हैं सेफ्टी फ्यूज यूज करते हैं है ना और ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को ब्लास्ट करने के लिए सेफ्टी फ्यूज यूज नहीं होता डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं हम लोग करेंट पास करते हैं और ये ब्लास्ट कर देता है ठीक है अब फिर वही करंट आता है तो वो इग्नाइट से फ्लैजिंग कंपोजिशन इन द फ्यूज हेड विच इन टर्न इनिशिएट्स द प्राइम चार्ज तो क्या होता है कि प्राइमिंग चार्ज हमारा एएसए है एएसए है है ना फिर पीटीएन है तो जैसे हम लोग क्या कैसे ये सीक्वेंस कैसे चल रहा है उसको समझते हैं जैसे हम लोग क्या किए करंट दिए जैसे हम लोग करंट दिए तो ये क्या करता है एक फ्यूज हेड होता है ना ये फ्यूज हेड को जलाता है फ्यूज हेड जलने के कारण क्या हुआ कि जैसे स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा था उस टाइप का एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है वो स्पार्क क्या करता है ए एस ए जो हमारा प्राइमिंग चार्ज है उसको ये इग्नाइट करता है और ए एस ए क्या करता है बेस चार्ज जो पीई टी एन है इसको इग्नाइट करता है फाइनली डिटोनीटर फटता है डिटोनीटर फटने की वजह से जो एक्सप्लोजिव कार्ट्रिज है उसके अंदर सॉफ्टवेयर प्रोपेगेट करता है और ये मेन एक्सप्लोजिव कार्ट्रिज को भी ब्लास्ट कर देता है अब ये ऑर्डनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर का ही है कि इसका टेंशन द रेसिस्टेंस ऑफ ए लो टेंशन डिटोनेटर्स विथ फोर्टी फाइव मीटर लॉन्ग शॉर्ट फायरिंग केबल इज अबाउट सेवन ओम तो मान लीजिए ये लो टेंशन एक डिटोनेटर है उसके साथ हम शॉर्ट फायरिंग का पैंतालीस मीटर का केबल जोड़े तो नेट रेसिस्टेंस कितना आता है सेवन ओम आता है फ्यूज हेड जो रहता है उसको जलाने के लिए हमको करंट कितना चाहिए मिनिमम जीरो पॉइंट फाइव एम का चाहिए तो मिनिमम वोल्टेज एक डेटोनेटर को ब्लास्ट करने के लिए कितना चाहिए थ्री पॉइंट फाइव वोल्ट का अब है कि लो टेंशन डेटोनेटर के सर्किट के, के कंटिन्यूटी को जैसे सर्किट ठीक से काम कर रखनी जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट रहता है तो इसको चेक करने के लिए हम लोग मल्टीमीटर से कुछ कुछ यूज़ करते हैं देखे होंगे दुकान में जहाँ बिजली का सामान ठीक होता है कि वो लोग कुछ मल्टीमीटर को ज्वाइन करेगा देखेगा कि हमारा सामान ठीक से काम कर रहा है कि नहीं तो उसी तरह हम लोग लो टेंशन डिटोनीटर के सर्किट के कंटिन्यूटी को कैसे टेस्ट करेंगे तो गेलवेनोमीटर से टेस्ट करेंगे इस चीज़ को भी हम लोग याद रखेंगे सर्किट कंटिन्यूटी ऑफ ए लो टेंशन डिटोनीटर को हम लोग गेलवेो मीटर से टेस्ट करेंगे अब एक साथ कई डेटोनेटर को सीरीज में जोड़ करके भी हम लोग शॉर्ट फायरिंग कर सकते हैं शॉर्ट फायरिंग मतलब उसको ब्लास्ट कर सकते हैं ठीक है तो सीरीज कनेक्शन क्या होता है जैसे ये एक डेटोनेटर हो गया ये दूसरा हो गया ये तीसरा हो गया ये सीरीज कनेक्शन है पैरल कनेक्शन क्या होता है ये है ये क्या है पैरल कनेक्शन है ये क्या है सीरीज कनेक्शन है तो इस तरह सीरीज में हम लोग कई डेटोनेटर को जोड़ करके हम लोग ब्लास्ट कर सकते हैं तो देखिए एक कंपैरिजन है ना ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक वर्सेस डिले डेटोनेटर अभी हम लोग डिले डेटोनेटर को पढ़े नहीं है तो थो, थोड़ा सा समझते हैं ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर क्या होता है कि जैसे करंट आता है ये डेटोनेटर तुरंत ब्लास्ट हो जाता है और डिले में क्या होता है कि हम लोग कुछ-कुछ डिले एलिमेंट यूज करते हैं डिले मतलब लेट करते हैं कि जैसे पहला डेटोनेटर फटा फिर कुछ सेकेंड या मिली सेकेंड या हाफ सेकेंड का डेटोनेटर अगर डिले डेटोनेटर है तो हो सकता है कि 25 मिली सेकेंड के बाद डेटोनेटर नंबर टू फटे फिर इससे 25 मिली सेकेंड के बाद डेटोनेटर नंबर थ्री फटे इससे क्या होता है कि एक फ्री फेस जेनरेट होता है फ्री फेज जेनरेट होता है डिले डेटोनेटर का यूज करने का फायदा क्या होता है फ्री फेस जेनरेशन होता है उससे क्या होता है कि हमारा ब्लास्टिंग का एफिशिएंसी बढ़ जाता है ब्लास्टिंग का एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है ठीक है अब ये फ्री फेस कैसे हो क्या होता है कि सपोज ये हमारा दीवाल है ठीक है ये ईटे से बना हुआ है है ना ये ईटे से बना हुआ दीवार है तो सबसे मुश्किल काम होता है एक ईटा को निकालना जैसे ही हम इसको निकाल लिए अब क्या होता है कि ये वाले ईटा के लिए फ्री फेस हो जाता है ये आराम से निकल जाता है इधर वाला आराम से निकल जाता है ठीक है तो यही फ्री फेस है तो डिले डेटोनेटर में हम लोग एक डिले एलिमेंट लगाते हैं जिसके कारण क्या होता है पहला फटने के कुछ सेकेंड या कुछ मिली सेकेंड के बाद दूसरा फटता है यही है डिले एटोनेटर तो ये सब वायर जो डेटोनेटर से निकला रहता है ये फ्यूज हेड है दोनों में सेम रहता है ठीक है फिर इसमें प्राइमिंग चार्ज रहता है फ्यूज हेड जैसे ही जलता है ये क्या करता है ये प्राइमिंग चार्ज जो ए का मिक्सचर होता है उसको जलाता है और ये प्राइमिंग चार्ज जलने के बाद क्या होता है ये जो बेस चार्ज है पीई इसको जलाता है तो दोनों डेटोनेटर लगभग लगभग सेम है सिर्फ हम लोग डिले डेटोनेटर में क्या करते हैं एक डिले एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं किसके किसके बीच में तो हमारा जो प्राइमिंग चार्ज है और फ्यूज हेड है उन दोनों के बीच में एक डिले एलिमेंट डिले एलिमेंट मतलब ये कुछ कुछ मिक्सचर कुछ कुछ एलिमेंट्स या कंपाउंड का मिक्सचर होता है ये डिले एलिमेंट इससे क्या होता है कि पहले ये थोड़ा सा जलता है तब तक ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है फिर ये जलता है इसके कारण क्या होता है कि एक डिटोनेटर को ब्लास्ट करने के बाद दूसरे डिटोनेटर को ब्लास्ट करने में कुछ मिली सेकेंड का डिफ्रेंस आ जाता है इससे तब तक ये जो ब्लास्ट कर रहा है इसके कारण फ्री फेज जनरेट हो रहा है और इस फ्री फेज के कारण क्या होता है कि जब यहाँ से इसमें एक्सप्लोजन होगा नंबर टू डेटोनेटर में और इसके साथ लगा हुआ एक्सप्लोजिव ब्लास्ट होगा तो इसको क्या होगा फ्री फेस खाली जगह मिल चुका होगा ये ब्लास्ट होके इसका मटेरियल इधर फेंकाए है। यही है फ्री फेस का यूज तो चलिए डिले डेटोनेटर को डिटेल्स में देखते हैं अब डिले डेटोनेटर क्या है ये भी लो टेंशन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर ही है साथ में इसमें हम लोग एक डिले एलिमेंट जोड़ देते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि हम लोग जो ब्लास्ट कर रहे हैं उसको फेज वाइज कर सकें ठीक है, है ताकि टाइम और समय बच सके बार बार ब्लास्ट करने से तो अब डिले डिटोनेटर कितना टाइप का होता है दो टाइप का हाफ सेकेंड या लॉन्ग डिले डिटोनेटर मिली सेकेंड या शॉर्ट डिले डिटोनेटर अब डिले डिटोनेटर देखने में और कंपोजिशन में लो टेंशन डिटोनेटर टाइप ही होता है इसमें बस एक हम लोग डिले एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं कहाँ पर तो फिर से देखिए डिले एलिमेंट कहाँ लगाते हैं ये जो फ्यूज हेड है और प्राइमिंग चार्ज जो ए एस ए का है इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं डिले डिटोनेटर में डिले एलिमेंट लगा देते हैं पर यह जो प्लेन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर रहता है ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर इसमें डिले एलिमेंट नहीं लगाते हैं। बस यही डिफरेंस है अब डीले एलिमेंट भी क्या है इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉपर और ग्लास ब्रास लीव फिल्ड विथ स्पेशल कंपोजिशन अब ये अलमूनियम का नहीं बना होता ये तो कॉपर का बना रहेगा या ब्रास का वो जो ट्यूब रहता है इसमें एक स्पेशल कंपोजिशन फील्ड रहता है ये डीले एलिमेंट जो एक स्पेसिफाइड रेट में जलता है अब जितना बड़ा डीले एलिमेंट हम लोग लगाएंगे उतना ज़्यादा डीले हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उस डिटोनेटर में ठीक है द डिले एंड नॉन डिले डिटोनेटर आर बाय द कलर ऑफ लीड वायर अब कोई डिले डिटोनेटर है कि नहीं कोई है कोई नहीं है तो उसको हम लोग कैसे डिस्टिंग्विज करते हैं तो जो लीड वायर्स निकला रहता है उसके कलर से और डिले पीरियड जैसे उसमें सत्रह मिली सेकेंड का डिले हो सकता है पच्चीस मिली सेकेंड का डिले हो सकता है तो ये कहाँ लिखा रहता है तो यही जो वायर निकला रहता है उसी में एक छोटा सा टैग लगा रहता है उसी में ऐसे सत्रह लिखा, लिखा रहता है या ऐसे पच्चीस लिखा रहता है उसको हम लोग समझ जाते हैं कि कितने मिली सेकेंड का डिले डिटोनेटर है फिर डिले नंबर स्टाम्प ऑन द बॉटम ऑफ ट्यूब कि डिले नंबर भी क्या होता है कि छः नंबर डिटोनेटर है आठ नंबर डिटोनेटर है ये सब वो जो ट्यूब रहता है इसके पीछे कहीं पर स्टाम्प किया हुआ रहता है अब अंडरग्राउंड कोल माइंस में हम लोग डिले डिटोनेटर यूज कर सकते कि नहीं कर सकते तो हम लोग नॉर्मली नहीं करते हैं पर अगर हमको करना है यूज तो हम लोग को डीजीएमएस से परमिशन लेना पड़ेगा कि हमको अंडरग्राउंड कोल माइंस में डिले डेटोनेटर यूज करना है नेक्स्ट फिर क्वेश्चन क्या लेंगे हम लोग कि डिले डेटोनेटर और नॉन डिले डेटोनेटर दोनों को एक बॉक्स में हम लोग नहीं रखेंगे या एक बॉक्स में कैरी नहीं करेंगे अब है डिले डेटोनेटर का क्या क्या एडवांटेज है तो इसको यूज करने से हमारा ब्लास्टिंग क्या होता है एफिसियंट हो जाता है यानी ब्लास्टिंग की एफिशिएंसी बढ़ जाती है एफिशिएंसी बढ़ने से अर्थ है कि एक किलो एक्सप्लोजिव में जितना टन मटेरियल ब्लास्ट हो रहा था वो बढ़ जाएगा पहले मान लीजिए एक के जी एक्सप्लोजिव में 1.5 पॉइंट फाइव टन मेटेरियल ब्लास्ट हो रहा था तो इसको यूज करेंगे तो हो सकता है 1.7 हो 1.8 हो है ना क्यों बढ़ जाता है क्योंकि अगले राउंड ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ ब्लास्टिंग के बाद पहला राउंड ऑफ ब्लास्टिंग करने के बाद जब सेकेंड राउंड ऑफ ब्लास्टिंग लोग करते हैं तो उसको फ्री फेस मिल जा रहा है तो क्या होता है जो ब्लास्टेड मटेरियल है वो आराम से दूर फेंका सकता है उसको जाने के लिए खाली जगह रहता है तो इस वजह से क्या होता है कि ब्लास्टिंग एफिशिएंसी बढ़ जाता है अब जब जैसे कि अभी फर्स्ट राउंड ऑफ ब्लास्टिंग हुआ तो उसका मटेरियल अभी हवा में उड़ ही रहा है कुछ मिली सेकेंड के बाद सेकेंड राउंड ऑफ ब्लास्टिंग हुआ तो इसका भी मटेरियल उड़ा अब दोनों मटेरियल क्या होता है आपस में टकरा के भी और छोटे हो जाते हैं तो इससे क्या होता है कि रॉक का बेटर फ्रेगमेंटेशन मतलब टूटना छोटे टुकड़ों में वो बेटर होता है और ओवर ओवरसाइज रॉक यानी बड़े बड़े रॉक जो प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोड्यूस होना कम हो जाते हैं अब जैसे कि मान लीजिए हमको फ्री फेस देना है हर राउंड ऑफ ब्लास्टिंग के बाद तो हम लोग क्या करेंगे पहले फर्स्ट राउंड ऑफ ब्लास्टिंग कर लेंगे फिर रुकेंगे फिर सेकेंड राउंड ऑफ ब्लास्टिंग करेंगे फिर रुकेंगे फिर थर्ड राउंड को ब्लास्ट करेंगे पर डिले डिटोनटर यूज करने से क्या होता है कि ये राउंड ब्लास्ट हुआ इसके साथ इसको भी जोड़े रहते हैं तो क्या होगा नेक्स्ट 25 फाइव मिली सेकेंड के बाद ये फर्स्ट राउंड ब्लास्ट हुआ फिर 25 फाइव मिली सेकेंड के बाद सेकेंड राउंड ब्लास्ट हो गया फिर 25 फाइव मिली सेकेंड के बाद थर्ड राउंड ब्लास्ट हो जाएगा इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारा बहुत समय बचता है ऐसे हम लोग अलग अलग ब्लास्टिंग करते हैं जैसे एक साथ ही हम लोग बहुत बड़े बैच में भी ब्लास्टिंग कर सकते हैं अब मिली सेकेंड डिले डेटोनेटर को यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है कि इससे ग्राउंड वाइब्रेशन कम होता है और हाफ सेकेंड वाले डिले डेटोनेटर से ग्राउंड वाइब्रेशन ज़्यादा होता है तो जहाँ हमको ग्राउंड वाइब्रेशन कम रखना है वहाँ हम लोग मिली सेकेंड डिले डेटोनेटर यूज़ करेंगे और मिली सेकेंड डिले डेटोनेटर को हम लोग बड़े बड़े मेकनाइज क्वेरीज़ यानी कि बड़े बड़े माइंस में ओपन कास्ट माइंस में यूज़ करते हैं जहाँ बड़े बड़े डायमीटर का हमको होल्स को ब्लास्ट करना रहता है और एक्सप्लोजिव बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं तो वहाँ क्या होता है ग्राउंड वाइब्रेशन भी बहुत ही ज़्यादा होता है जिसके कारण आसपास के बिल्डिंग में या माइन के बिल्डिंग में ही या जो बड़े बड़े इंजन को लगाने के लिए जो हम लोग फाउंडेशन बनाए हुए हैं वो सब डिस्टर्ब हो सकता है तो वैसे केस में हम लोग जहां हमको वाइब्रेशन कम प्रोड्यूस कराना है वाइब्रेशन जहां कम प्रोड्यूस कराना है वहां हम लोग कौन सा डेटोनेटर यूज करेंगे वाइब्रेशन को लेस करने के लिए मिली सेकेंड डिले डिटोनेटर ठीक है जहां पर छोटा माइंड से वाइब्रेशन से उतना ज्यादा फर्क नहीं है वहां हम लोग हाफ सेकेंड डिले डेटोनेटर भी यूज कर सकते हैं क्लियर हाफ सेकेंड डिले डेटोनेटर फिर से एक बार हम लोग समझते हैं जहाँ कम वाइब्रेशन प्रोड्यूस कराना है ठीक है बड़ा सा माइन्स है और वहाँ एक्सप्लोजिव बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं बड़े बड़े बेंच को ब्लास्ट कर रहे हैं डायमीटर ज़्यादा है तो वहाँ पर हम लोग सिर्फ मिली सेकेंड डिले डेटोनेटर को ही यूज़ करेंगे क्यों क्योंकि ये वाइब्रेशन कम प्रोड्यूस करता है ठीक है तो यही था इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए जो एसेसरीज यूज़ करते हैं उसको देखेंगे इस वीडियो में यहीं तक थैंक यू